terms of expectations, thi kafi achhi lag rahi hai. Jo Arjun ne jis tarah se kaam kiya, the way he has transformed himself is pretty much good, and it's like kabile tareef hai jo usne kaam kiya. I guess everything. Unhone puri tarah se matlab daddy ko ek tarah se Arun Gavli ko apne andar utar liya. The way he talks, the way he walks, unki har chaal dhaal, har tarah se matlab ek it's really difficult job jo unhone kiya hai. Aur waqai mein it's appreciable jo kaam kiya hai unhone. Daddy mein uska naam hi sabse zyada khaas hai, aur is hafte ki daddy rahegi wo. Action hai, thriller hai. और साथ में उसमें बायोपिक का जो फ्लेवर है बहुत अच्छी एक्टिंग करी है सारे एक्टर्स ने. फिल्म में सबसे अच्छी बात यह है कि भाई मुझे नहीं पता था अरुण गावली जी के बारे में पर्सनली इतना, लेकिन काफ़ी कुछ जानने को मिला है जहाँ तक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की गई है और डेटा प्रेजेंट किया है. प्लॉट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. स्क्रीन प्ले बाय ऑब्वियसली अर्जुन का रामपाल जी और आलू गावली जी का डायरेक्शन है, तो बहुत ही अच्छा मतलब एक क्रिएशन है ये मूवी. डैडी बहुत अच्छे लगे. अर्जुन रामपाल इतना अच्छा एक्टिंग, बहुत ही अच्छा एक्टिंग किया है. और डैडी लगता है वो बेस्ट. मुझे लगता है कि मैक्सिमम तो जस्टिफाई किया है पूरा, बट क्योंकि अरुण गवली को हम लोगों ने इतना देखा नहीं है ज़्यादा, बट अच्छा है. मतलब अरुण गवली के लिए वो ऐसा देखेंगे तो उसका लगता है कि ये फिट है ये रोल के लिए अरुण गवली का. या इट वॉज़ गुड. जितना एक्सपेक्टेशन रखा था अर्जुन रामपाल से काफ़ी खरा उतर पाया. काफ़ी अच्छी लगी मुझे. लाइक पूरे मूवी में एक भी मोमेंट नहीं था जहाँ पर मैं बोर हुई हूँ. काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी थी, तो मैंने फुल टाइम बहुत इन्जॉय किया है. काफ़ी बारीकी से वो खड़े उतर पाए हैं. काफ़ी अच्छी उन्होंने एक्टिंग की है. काफ़ी अच्छा उन्होंने अपना कैरेक्टर निभाया है. तो ओवरऑल इट वॉज लाइक फुल पैकेज एंटरटेनमेंट मूवी फॉर मी. It's a good movie. You are not likely to see such movie in today's date. So I think it's an average movie. Thing is, Bobby Deol is better, I guess. So he's the only one I liked in the movie. Poshter Boyz देखी मैंने अभी. It's really awesome movie. Seeing Sunny Deol after long time, जो उनका जोश था पहले movies में, जैसे Die Hard हाथ on those things. So it's a quite good watching all this movie. और Bobby Deol also बहुत अच्छा लगा उसमें, क्योंकि बहुत दिनों उनका comeback हुआ है. It's a good experience.